श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक की मौत व दर्जन भर घायल। बाबा विशनगिर के दर्शन कर लौट रहे थे अपने गांव सिगायच जगनेर उत्तर प्रदेश। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11 बी पर गडरपुरा गांव के पास मंगलवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जहां रामसागर बांध किनारे बाबा विशनगिर के दर्शन कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई। वहीं महिला और बच्चों सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए धौलपुर और आगरा रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यूपी के आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र के सिगायच गांव निवासी करीब 3 दर्जन लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सोमवार की शाम बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के रामसागर बांध किनारे बाबा विशनगिर के लक्खी मेले में दर्शन करने आए थे, जहां पूरी रात रुकने के बाद मंगलवार करीब सुबह 5:30 बजे वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही वे हाईवे 11 बी पर गडरपुरा गांव के पास पहुंचे, चालक से ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और ट्रॉली सहित ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान ट्रॉली में बैठे लोगों में से कुछ ट्रॉली के नीचे दब गए। ऐसे में आसपास के लोगों की सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा जेसीबी से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा कराया। इसके बाद घायलों को निकाला गया। एम्बुलेंस से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 50 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र नवल सिंह ठाकुर की मौत हो गई। वहीं महिला और बच्चों सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें से एक बच्चा और एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आगरा के लिए रेफर कर दिया है। बाकी घायलों को धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में यूपी के जगन्नाथ थाना क्षेत्र के सिगायच गांव निवासी 18 वर्षीय मोहित पुत्र चंद्रसेन, 16 वर्षीय नवीन पुत्र दिनेश, 18 वर्षीय रॉकी पुत्र संजू, 18 वर्षीय यशपाल पुत्र विनोद, 8 वर्षीय हिमांशु पुत्र नेत्रपाल के साथ 50 वर्षीय महिला श्रद्धा पत्नी ओमवीर, 40 वर्षीय महिला कुसुमा पत्नी प्रमोद, 35 वर्षीय महिला अनीता पत्नी कृष्णवीर, 35 वर्षीय महिला नीरवती पत्नी महेंद्र, 40 वर्षीय महिला शीला पत्नी वीरेंद्र, 50 वर्षीय महिला सुखी पत्नी बेदी और 42 वर्षीय महेंद्र पुत्र रामचरण घायल हुए हैं। इधर घटना की सूचना पर बाड़ी सदर बाड़ी कोतवाली और आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सभी के सहयोग से ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी से उठाया और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान, नायब तहसीलदार अमर सिंह सहित राजस्व विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंच मामले की जानकारी ली। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ गंभीर घायलों को रेफर कराया गया है। वहीं मृतक के सबको मोर्चरी में रखवाया गया है। मैं तहसीलदार बाड़ी और ये है ना क्या नाम से, ये लोग जगनेर से है ना विशनगिरि बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे। अचानक है ना कोई बाइक सामने आने की वजह से ट्रैक्टर असंतुलित हो गया था, जिसमें ये 14 लोगों का मतलब हादसा हुआ है, जिसमें से एक व्यक्ति मृत हो गया है, बाकी अस्पताल में घायल भर्ती है। आज सुबह करीब 6:15 बजे गडरपुरा नेशनल हाईवे 11 पर एक ट्रैक्टर में ट्रॉली से पलट गया, जिसमें करीब 14-15 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 14 लोग घायल हुए। घायलों में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। सभी घायलों को बाड़ी हॉस्पिटल लाया गया है, उसमें से एक महिला के बच्चे को धौलपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है।